हेलो, मेरा नाम योगेश है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ वीकडे फंक्शन के बारे में। तो ये वीकडे फंक्शन क्या है और ये कैसे काम करता है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। जैसा कि सिंटेक्स कहेगा वीकडे, तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो डेट है ये डेट मांगता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ डेट्स जो है वो डिफाइन करके रखी हुई है। जैसे मैं अगर ये डेट ले लेता हूँ तो मुझे क्या करेगा ना, ये वीक का जो डे है वो कैलकुलेट कर देगा। मतलब ये जो अभी जो करंट ये जो वीक था, जो डेट मैंने ली है, ये डेट जो है कौन से वीक में और कौन से डे में थी, तो वो ये मुझे कैलकुलेट करके दे देगा। अगर मैं सिंपल डेट को लूँ तो ये इसने मुझे 7 कैलकुलेट करके दे दिया। इसी तरीके से अगर मैं और देखना चाहूँ वीक डे, आप इसमें देखेंगे एक ही इसमें ऑप्शन दिया हुआ है टाइप का। तो ये टाइप जो है वो जनरल ऑप्शन है, ये उसके लिए होता है। सपोज जैसे आप ये 1 2 3 जो है ये टाइप दे करके डिफाइन कर सकते हैं कि मतलब जो वीक है वो कौन से डे से स्टार्ट होना चाहिए। सपोज अगर मैं बाय डिफॉल्ट ये संडे से वीक को स्टार्ट करता है, बट अगर मैं 2 दे दूँ तो मंडे ट्यूसडे से स्टार्ट करेगा ये, है ना। 3 दे दूँ तो थर्सडे से स्टार्ट करेगा, और अगर मैं कुछ भी नहीं दूंगा तो बाय डिफॉल्ट ये संडे से कैलकुलेट करना शुरू करेगा और फिर ये बताएगा कि ये जो डेट है वो कौन से मतलब वीक में कौन से डे पर है। तो नंबर ऑफ डे कैलकुलेट करके दे देगा ये। इसका 2 दे दिया इसने। इसी तरीके से इसका भी मैं कर लेता हूँ वीक डे, सॉरी वीक डे, अब मैं अगर इसमें डे कर दूँ, डे 3 से स्टार्ट करना शुरू करता हूँ, तो मतलब ये कि बाय डिफॉल्ट तो ये संडे से ले रहा था। आप देखेंगे यहाँ पे टाइप लिखा भी होता है, नंबर इंडिकेट दैट नंबरिंग सिस्टम टू यूज ए रिप्रेजेंट वीक डे। बाय डिफॉल्ट जो है ये काउंट करता है संडे से इक्वल टू 1, और मंडे हो गया तो 2, ट्यूसडे हो गया तो 3। अब ये ट्यूसडे से लेना स्टार्ट करेगा, तो इसने ये दे दिया मुझे कैलकुलेट करके। तो इस तरीके से वीक डे का फंक्शन जो है हम यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट संडे इक्वल टू 1 के हिसाब से लेता है ये, और अगर नहीं भी डालेंगे तो ये संडे से स्टार्ट करेगा। अगर मैं मेंशन करना है तो हम 1 2 3 करके उसको मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से काम करता है वीक डे फंक्शन।